हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऑलरेडी दो वीडियो यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस और रोजगरी बायोटेक। एक केमिकल कंपनी है, एक होम फाइनेंस एज वेल एज ब्रोकिंग फर्म में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। अच्छे खासे टारगेट आ रहे हैं, अच्छे खासे प्राइस पे शेयर मिल रहे हैं। इसके अलावा जिस शेयर से रिलेटेड आज बातें करने वाले हैं वो एक बैंकिंग का दिग्गज स्टॉक है, जिसमें आपके पैसे दुगने हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर वे से इन्वेस्टिंग करेंगे और प्रॉपर वे से उस शेयर को की तरफ नजरें बनाएंगे। देखिए, पीएसयू बैंक है, पीएसयू बैंक के शेयर भाग भी रहे हैं और जिस तरीके से अगर हम बात करें उसके रिजल्ट है, जिस तरीके से उस शेयर में परफॉर्मेंस करके दिखाया, वो शेयर आपको अच्छा खासा गेन देते हुए दिखाई देगा। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स से, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे और हम जो शेयर बताते हैं वो आप उन्हें बाइंग करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही आपको कोई पोजीशन लेनी है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सीख के यहाँ पर इन्वेस्टिंग करिए तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, तो अगर हम यहाँ पर उसके रिजल्ट देख ले, आज की डेट में उसके रिजल्ट आए थे, तो यहाँ पर देखिए स्टैंड अलोन रिजल्ट इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। इस बार के रिजल्ट है, लास्ट क्वार्टर के, एक साल पहले के रिजल्ट है। अगर हम देखते हैं इंटरेस्ट अर्न की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट अर्न यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर अगर हम देखिए ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर देखिए इनके टोटल इनकम की, तो देखिए 1,15,000 ओके सॉरी 11,50,000 20 लाख रुपीज का यहाँ पर इनकम है। इससे पहले 10,64,000 था, इससे पहले 11,44,000 था। तो अगर बात करें ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर अगर आपको देखना है कि इंटरेस्ट इनकम किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आई है, इंटरेस्ट इनकम ईयरली बेस पे थोड़ी घटी है बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर बढ़ी है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे थोड़ी सी घटी है बट क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ी है। एज वेल एज बात करें यहाँ पर और भी इनकम की, सॉरी इनकम फ्रॉम यहाँ पर इंटरेस्ट की बात हुई थी, इंटरेस्ट है। अगर यहाँ पर देखें इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद रिजर्व्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहाँ पर उनको इंटरेस्ट मिलता है, वो ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी गिरावट है। अदर इनकम की बात करें वो भी ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है। बट अगर बात करते हैं टोटल ओवरऑल इंटरेस्ट की, वो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है बट क्वार्टरली बेसिस पे जंप है। तो यहाँ पर सेगमेंट वाइज भी हम नीचे यहाँ पर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगी। अगर बात करते हैं यहाँ पर और एक्सपेंसेस की, क्योंकि एक्सपेंस भी होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8,02,842 लक्षण रुपीज के एक्सपेंस है। इससे पहले 8,09,000 था, इससे पहले 8,70,000 के आसपास का यहाँ पर एक्सपेंस था। तो एक्सपेंस यहाँ पर ईयरली बेसिस पे कम हुआ है, ओके, एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे भी कम हुआ है। तो यहाँ पर जब एक्सपेंस कम होने शुरू हो जाते हैं ना, तो समझ लीजिए कंपनी, बैंक या कोई भी हो, अच्छा खासा कोई भी कंपनी हो, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ प्रोविजनिंग की, तो देखिए प्रोविजनिंग अदर देन टैक्स की अगर बात करें तो इन्होंने यहाँ पर प्रोविजनिंग करती हुई दिखाई दी है। तो कितनी 2,61,450, इससे पहले 1,75,000 था, इससे पहले 2,13,000 था। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अगर बात करें प्रोविजनिंग बढ़ती हुई नजर आई है। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं कुछ और चीजों की, एक्सेप्शनल आइटम कुछ भी नहीं है। और अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 1,18,166 लाख रुपीज का प्रॉफिट है। इससे पहले 1,70,000 था, इससे पहले 36,926 लाख रुपीज का प्रॉफिट था। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे तो भारी जंप है नेट प्रॉफिट में। क्वार्टरली बेस पे अगर हम बातें करें तो उसमें भी हमें थोड़ी सी यहाँ पर अगर बात करें 1,18,000 1,70,000 यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है क्वार्टरली बेसिस पे। बट अगर बात करें ओवरऑल तो कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पर पेश करते हुए दिखाई दिए है, जो कि काफी बेहतरीन है। इसके अलावा हम और भी कुछ चीजों की बात करते हैं। ईपीएस की यहाँ पर देखिए 10.39 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 15 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 3 रुपये का। तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया, इस चीज को हमें देखना होगा। इसके अलावा देखते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए की अगर बात करते हैं, तो इस बार 9.69 का है, इससे पहले 9.85 का था, इससे पहले 10.90। तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर ग्रॉस एनपीए परसेंटेज के टर्म पे यहाँ पर घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात करें नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए इस बार के 3.47 है, इससे पहले 3.37 था, इसके बाद 3.76 था। तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर एनपीए घटते हुए नजर आ रहे हैं बट क्वार्टरली बेसिस स्लाइटली यहाँ पर बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। तो कम यहाँ पर अगर बात करें, जिस बैंक से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं उसका नाम है इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक ने अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है। इसके अलावा सेगमेंट वाइज भी अगर रेवेन्यू आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू किस तरीके से यहाँ पर ट्रेजरी ऑपरेशन से इनके पैसे बनते हुए दिखाई दिए। कॉर्पोरेट रिटेल बैंकिंग इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सॉरी रिटेल बैंकिंग घटती हुई दिखाई दे रही है, बट अगर बात सॉरी रिटेल बैंकिंग की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 3,66,000 इससे 3,16,000 इससे 3,44,000। तो रिटेल बैंकिंग यहाँ बढ़ रही है। अदर बैंकिंग ऑपरेशन की अगर बात करें वो सेगमेंट यहाँ पर पूरा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉर्पोरेट एंड होलसेल की बात करें वो भी यहाँ पर ईयरली बेसिस पे घटता हुआ बट क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू ट्रेजरी ऑपरेशन की बात करें वो भी ईयरली बेसिस पे घट रहा है बट क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके रेवेन्यू और एंड ऑल एवरेज ओवरऑल यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। बट हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल चीज़ों की। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंडियन बैंक की, तो यहाँ पर हम डेटा निकाल लेते हैं एक बार। इंडियन बैंक तो बैंक आपको पता ही है क्या करता हुआ दिखाई देता है। तो 1907 में एक कंपनी यहाँ पर बैंक दिखाई दिया था बनता हुआ। तो अगर हम बात करते हैं देखिए मार्केट कैप कितनी है 17,206 करोड़ रुपए की, करेंट प्राइस कितना है 138 रुपीज़ का। और अगर बात करें बुक वैल्यू की तो कंपनी की बुक वैल्यू 317 रुपए की। तो यहाँ पर देखिए कंपनी बुक वैल्यू से कितनी नीचे चल रही है। यहाँ पर आपका पैसा दुगना होने का पूरा यहाँ पर चांसेस है। एज वेल एज इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 434 रुपए की इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू काफी नीचे चल रहा है। तो अच्छा खासा यहाँ पर ये बैंक यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है और जब यहाँ पर इसके नंबर बेहतरीन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अच्छा खासा यहाँ पर तो नहीं, बट अगर बात करें पिछले 5 क्वार्टर की तो पिछले 5 क्वार्टर में बैंक ने यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर 10,000, 8,000, 9,600 इस तरीके के रेवेन्यू आना शुरू हो गए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, जो नेट प्रॉफिट पहले घाटे में चलते थे या फिर 172 करोड़ के ही आते थे, अब की अगर बात करें पिछले 2 क्वार्टर की तो यहाँ पर 1,725 करोड़ के, 1,260 करोड़ के इस तरीके के नेट प्रॉफिट आना शुरू हो गए। तो जब इस तरीके के नेट प्रॉफिट 1,000 से प्लस आने शुरू हो गए और फिर इसी तरीके 3-4 क्वार्टर और आने शुरू हो जाए तो यहाँ पर बैंक के यहाँ पर अच्छा खासा और परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। रेवेन्यू ईयरली वाइज भी देखें तो यहाँ पर देखिए 7,704 करोड़ रुपए के मतलब इसी के दायरे में चल रहे थे। बट अगर बात करें मार्च 2020 के बाद पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया और यहाँ पर 21,000 करोड़, 39,000 करोड़, 38,000 करोड़ इस तरीके की यहाँ पर रेवेन्यू आने शुरू हो गए हैं जो कि हाईएस्ट एवर है इनके जर्नी में। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो देखिए वो भी हाईएस्ट एवर 3,971। जब इस तरीके के यहाँ पर रेवेन्यू आने शुरू हो गए हैं, सब चीज़ यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट आना शुरू हो गया है तो यहाँ पर इस बैंक को बढ़ना ही बढ़ना है। यहाँ पर अगर बात करें बैंक की यहाँ पर कितने देखिए 17,206 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल है। बट अगर हम बात करते हैं इसके ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकी रेवेन्यू है वो इनसे दुगनी आ रही है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2, 3, 4 बार और इन्होंने इस तरीके का परफॉर्म दे दिया। यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो पिछले अगर 4,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर हो रहा है तो इसे 5 बार भी अगर हम काउंट करें कि 5 साल भी इसने कंपनी ने इस तरीके का परफॉर्म दे दिया तो इसका रेवेन्यू, इसका जो मार्केट कैप है ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा। रिजर्व्स की बात करें जितने की बुक इनकी बैंक की कीमत नहीं है 17,000 करोड़ की, उससे ज़्यादा तो इनके पास पैसा रखा हुआ है 38,329 करोड़ का। यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना है। बाकी बोराइंग कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर लैंड कर रही है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर बोराइंग यहाँ पर लैंड कर रही है 5,064 जो कि अच्छे बड़े बड़े बैंकों का भी नहीं है। फिक्स एसेट की बात करें वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट की 1,78,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है तो बैंक यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें 54,100 करोड़ रुपए का कैश इक्विवेलेंट है। इसके अलावा बात करें जो देखिए अभी तक नेगेटिव में यहाँ पर कैश फ्लो हुआ करता था बट अगर इस बार की बात करें तो 17,065 करोड़ रुपए का यहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्लो है। ये सारी चीज़ें बताती है कि कंपनी कितनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग होती जा रही है। यहाँ पर अगर बात करें तो इनकी आरओई बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर बैंक ऑफ गवर्नमेंट ही होगी जो कि ऑब्वियसली बात है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया 79% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा हम बात करते हैं एफआईआई की। तो एफआईआई की देखिए यहाँ पर हिस्सेदारी यहाँ पर इन्होंने बढ़ा ली है 1% से 3% कर ली है। डीआईएस की बात करें डीआईएस यहाँ पर देखिए 4% से 10% कर ली है। मतलब ये हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं कौन और पब्लिक यहाँ पर बेचती जा रही है। तो इस चीज़ को भी देखिए पब्लिक के पास ना के बराबर हिस्सेदारी है 6.71%। तो यहाँ पर ये शेयर को भागना ही भागना है। बुक वैल्यू के नीचे चल रही है एज वेल एज यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चल रही है। यहाँ पर अच्छा खासा और रिजल्ट अच्छे खासे पेश कर रही है। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि यहाँ पर जो ये बैंक है, ये बैंक अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू करेगा और अच्छा खासा यहाँ पर गेन देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा देखें तो 50 के RSI के लगभग यहाँ पर बैंक यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसके अलावा इसके प्राइस की भी अगर हम बात करते हैं, इसके चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा यहाँ पर ये कप बना, कप बनने के बाद यहाँ पर एक हैंडल बना रहा है और जो कि यहाँ पर अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पर देखते हैं कितने टारगेट नजर आ रहे हैं तो वो भी आपके सामने है। इसके जो टारगेट नजर आ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कितना रुपए का टारगेट नजर आ रहा है जो कि आपके सामने है, ये 219 रुपए। 219 रुपए का टारगेट तो यहाँ पर कब्जिल हैंडल पैटर्न से आ रहा है जो कि आना ही आना है। क्यों आना है? जो कि कंपनी लगातार अच्छे यहाँ पर रिजल्ट पेश कर रही है, तो जब लगातार अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट पेश कर रही है तो ऑब्वियसली बात है ये सारे के सारे टारगेट मीट होने ही है। लगभग 58% का यहाँ पर टारगेट आ रहा है। एक साल में भी अगर ये रिटर्न आपको मिल जाते हैं, 219 रुपये पे शेयर आपको मिल जाता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे खासे परफॉर्म करेगी। और जब यहाँ पर अगर बात करें हाइएस्ट लेवल कब थे, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखते हैं तो 2017 में यहाँ पर हाईएस्ट लेवल था, नवंबर 2017। और हम अगर यहाँ पर देखिए 2017 में यहाँ पर 16,000, अगर बात करें 17,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर रिवेन्यू हुआ करता था और अभी तो दुगना रिवेन्यू हो गया। जब दुगना रिवेन्यू हो गया है तो ये प्राइस को भी दुगना ही होना चाहिए। दुगना का मतलब है जब ये यहाँ पर भागेगा ये शेयर तो अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस देगा। अगर 318 रुपये की जो बुक वैल्यू है इसकी, देखिए ऑल टाइम हाई तो इसका इसके लेवल के आसपास है जो कि 400 कुछ रुपये इसका यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, 430 रुपये के आसपास। और बुक वैल्यू की भी बात कर ले, बुक वैल्यू जो कि इसकी कितनी है, 317 रुपये। 317 रुपये की यहाँ पर है बुक वैल्यू। 317 रुपये अगर हम देखते हैं तो लगभग इसी रेंज में आता है। और अगर हम यहाँ पर टारगेट देखिए पहला टारगेट तो यही नजर आ रहा है, दूसरा टारगेट इसका जो बुक वैल्यू है जो कि यहाँ पर इसे अचीव होना ही होना है, बुक वैल्यू पे इसे जाना ही जाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा टारगेट यहाँ पर ये हो गया 124 रुपये। इसके अलावा और भी बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके टारगेट की जो कि ऑल टाइम हाई है जो कि पहुँचना ही है। क्यों पहुँचना है, इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है इसने। तो 211 रुपये का यहाँ पर ऑल टाइम हाई का आ रहा है। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 58% के आसपास, यहाँ पर 124% जो कि आने ही है। 1 से सवा साल भी लग गया, कोई बुरी बात नहीं है। और अगर बात करें 211%, ये भी आपको जल्द ही आपको आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि जब एक बार यहाँ पर ऑपरेटर भगाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए तो कुछ नहीं रोक रहा क्योंकि ज़्यादा शेयर यहाँ पर है भी नहीं भागने के लिए। यहाँ पर थोड़े बहुत शेयर ही है और जो कि क्या कहते हैं 6% के शेयर जिसमें ऑपरेटर जब चाहेंगे तब इजीली भगाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए एक साथ जब भागा था तो किस तरीके से यहाँ पर भागा, और यहाँ पर देखिए सपोर्ट भी ले रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर भी काफी बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है जो कि हमारे टारगेट मीट हो रहे हैं। और जो ये टारगेट मीट होने ही, और यहाँ पर वॉल्यूम देख रहे हैं हाईएस्ट लेवल, यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम आना शुरू हो गए हैं तो यहाँ पर ये शेयर को भाग नहीं है। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। इंडियन बैंक अच्छा खासा यहाँ पर नजर आ रहा है, अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छे खासे रिजल्ट पेश कर रहे हैं, जो सब चीज़ अच्छी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, बट बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करनी है, बाकी सबके साथ यहाँ पर शेयर करिए, सीखिए, सीख के आप पैसा बनता हुआ नजर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर प्लेस।